नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैदिक पीरियड के बारे में बताऊंगा, जो वैदिक काल है। सारे एग्ज़ाम में वैदिक से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं, चाहे वो ग्रंथों से हो, चाहे वो वेदों से हो, ठीक है, या फिर जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके रचयिता से हो। तो वैदिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे ग्रंथ हो, या उसके रचयिता, या उसमें कलाकारों के बारे में क्या है या कला के बारे में क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तक प्रागैतिहासिक और सिंधु काल का लगभग वीडियो हो गया है, ये थर्ड मानेंगे वैदिक काल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो वैदिक काल है, इसका अगर पूरा टाइम देखें कि कब से कब तक ये अनुमानित है या माना जाता है, तो वैदिक काल का जो मेन टाइमिंग माना जाता है वो 1500 से 600 BC, ठीक है। ये इसका टाइमिंग है पूरा वैदिक काल का। अब वैदिक काल के बारे में अगर स्टार्टिंग से थोड़ा पॉइंट कुछ देखेंगे, तो वो है कि अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के जब इसका पतन हो गया, ठीक है, ये नष्ट हो गई, तो इसके बाद जो सभ्यता आई, जिस सभ्यता का उदय हुआ वो थी वैदिक सभ्यता, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रो के रूप में याद रखेंगे कि हड़प्पा का पतन हुआ। हड़प्पा से यहाँ तात्पर्य जो हड़प्पा संस्कृति से हम सिंधु की बात कर रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंधु के पतन के बाद जो नई सभ्यता जन्मी वो थी वैदिक। अब जो वैदिक थी, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो वेदों से मिलती है, ठीक है। हमारे जो चार वेद हैं, उन चारों वेदों को मैं आज बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो याद रखेंगे वेदों से। अब वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो आर्य जाति के लोग थे, ठीक है। जो आर्य जाति थे, इसमें माना जाता है कि उच्च कुल के लोग, तो आर्य जाति कि अगर पूछेगा कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन लोग थे, तो आर्य जाति के लोग थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब जो ये वैदिक जो संस्कृति थी, उसके जो लोग थे वो ग्रामीण संस्कृति के थे, ठीक। इसके पहले जो हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, वो शहरी सभ्यता थी, बट जो वैदिक है ये ग्रामीण है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी पशुपालन था मुख्य, जो था गाय पालन था। इसके बाद जो वैदिक है ये था ग्रामीण, और यहाँ पर पशुपालन भी यहाँ पर था। और यहाँ पर जो भवन, अगर घर देखेंगे किससे बनाए जाते थे, तो वेदों में, ठीक है, हमें सिंधु के साक्ष्य मिले हैं बट वैदिक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये देखेंगे सिंधु जो है पहले आता है, उसके बाद वैदिक, तो हमको वैदिक के भी मिलने चाहिए क्योंकि उससे प्राचीन है सिंधु। सिंधु के मिले हैं सारी चीज़ें बट वैदिक के नहीं मिले हैं। वो इसलिए नहीं मिले हैं कि वैदिक में जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो घास लकड़ी, या ऐसे कह लें जो भवन होते थे वो घास लकड़ी, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं किसमें, वेद में। वेद में ऐसा लिखा गया है कि वैदिक संस्कृति के जो भवन थे या घर थे वो घास लकड़ी, घास फूस के बनाए जाते थे, जो कि समय के साथ नष्ट हो गए। बट सिंधु में जो थे पकाए गए मिट्टी के ईंटों से बने हुए थे घर, तो अब वो अभी तक हैं उसके अवशेष, ठीक है। यही अंतर है कि सिंधु का मिला है और वैदिक का नहीं मिला है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो सबसे पहले वैदिक का जो टाइमिंग है वो आपको देखना है कि क्या टाइमिंग है, तो 1500-600 BC। और ये वैदिक वाले जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद इनका जन्म हुआ, इस सभ्यता का, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसके संस्थापक आर्य जाति के लोग थे, ये ग्रामीण लोग थे, इनके जो भवन है वो घास लकड़ी वगैरह के बनाए जाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी में, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें पूछता है कि भारत में जो आर्य थे, आर्यों की जानकारी किससे मिलती है, तो वेद से मिलती है, बट वेद में किससे मिलती है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। ये याद रखेंगे, आर्य जाति की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी, यानी जो वैदिक में भाषा यूज हो रही थी वो क्या थी, तो वो याद रखेंगे संस्कृत थी। एक एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आसान रहेगा। अब इसके बाद वो सभ्यता जो थी ग्रामीण मैंने बता ही दिए, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, सभ्यता जो थी वो ग्रामीण,
भाषा जो थी वो संस्कृत, आर्य लोग के बारे में किसमें लिखा गया है, तो ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें जो इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, व्यवसाय को देखेंगे। व्यवसाय जो था वो था कृषि, कृषि भी था और पशुपालन भी। ये दो चीज़ें याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृति में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और पशुपालन। अब जैसे जो इनका पूजनीय पशु था, ठीक है, वैदिक में ये भी लिखा गया वेदों में कि जो पूजनीय पशु है उसको मारने पर मृत्यु दंड की भी सजा थी, तो वो था गाय। ठीक है, गाय जो था इनका पूजनीय पशु था। और प्रिय पशु अगर देखेंगे, ठीक है, प्रिय पशु जो था वो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। और तो ये हो गया पूजनीय पशु। वेदों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गाय का बहुत महत्व दिया गया है, गाय को माता मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिय देवता कौन से थे, ठीक है, प्रिय देवता जो हैं वो थे इंद्र। इंद्र जो थे वैदिक पीरियड में मुख्य देवता माने जाते थे। इनके बाद फिर अग्नि का भी कहीं कहीं मिलता है, उसके बाद सूर्य का भी। ठीक है, तो पहले आप इंद्र को मानेंगे, ठीक है, इंद्र नहीं है तब अग्नि सूर्य की तरफ जाएंगे। ठीक, तो इतने पॉइंट हैं कम से कम जो आप याद रख सकते हैं, ये ज़रूरी भी है, सारी चीज़ें याद रखिए, पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब ये देखेंगे इसी में और जो पॉइंट आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और पॉइंटों में जो ऋग्वेद में जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा थी। पूछ सकता है कि वैदिक संस्कृति में जो कौन सी परिवार प्रथा थी, तो संयुक्त परिवार यानी कि सभी लोग, जितने भी लोग होते थे वो एक साथ रहते थे। ठीक है, और इस ऐसे भी याद रख सकते हैं पितृसत्तात्मक, ठीक है, यानी घर का जो मुखिया था, मुख्य व्यक्ति वो था पिता, ठीक है, या फिर पुरुष, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज था, तो पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा, साले सारे लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, और जिसमें कि पुरुष मेन प्रधान था, या ऐसे कह सकते हैं परिवार भूमि का मालिक जो था वो पुरुष था या पिता था। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो विवाह है वो यहाँ पर भी प्रमुख अंग था इस समाज का, तो विवाह का भी चीज़ें मिलती हैं ऋग्वेद में, अलग अलग तरह के विवाह बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, विवाह तो जो था इसका सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था यहाँ पे, यहाँ पर अंतर जाति विवाह भी होता था। ठीक है, अंतर जाति विवाह के भी बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में, यानी हमारे वेदों में। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी जो चीज़ है बाल विवाह, ठीक है, जो बाल विवाह था वो निषेध था, यानी कि नहीं होता था। ठीक है, वैदिक संस्कृति में बाल विवाह निषेध, अंतर जाति विवाह जो था वो होता था बट बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सारे जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वेदों के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे जो है विधवा विवाह, ठीक है, जो विधवा विवाह था वो होता था, ठीक है, ऐसा वेदों में लिखा है। तो विवाह के संबंध में ये चार चीज़ें याद रखेंगे, विवाह जो था ये प्रमुख सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था, अंतर जाति विवाह होता था, बाल विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह की भी प्रथा थी यानी होता था। ठीक है, इतने पॉइंट हैं इसमें लगभग, देख लीजिए जो आर्य थे, आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से, भाषा जो थी संस्कृत थी, सभ्यता ग्रामीण थी, व्यवसाय कृषि पशुपालन था, पूजनीय पशु गाय था, इसको मारने पर मृत्यु दंड की भी सजा मिल सकती थी, प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र, उसके बाद शनि, फिर सूर्य, संयुक्त परिवार प्रथा थी यानी पुरुष का जो हक था वो भूमि का मालिक और संपत्ति का मालिक जो था वो पुरुष होता था, प्रतिसत्तात्मक समाज था, विवाह प्रमुख अंग था, अंतरजातीय विवाह होता था, बाल विवाह नहीं होता था और विधवा विवाह भी होता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे जो था कि जो सती प्रथा थी, एक चीज इसको भी याद रखेंगे, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जो था इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये याद रखेंगे, जैसे सिंधु में बहुत सारे जगहों पर हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर जो था कि नहीं था,
ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जो आर्य लोग थे वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, सर्वाहारी थे, जो मिलता खा लेते थे। ठीक है, तो ये अब याद रखिए ये क्या क्या चीज़ें, इतनी जितने मैंने पॉइंट बताए वो। ठीक है, अब अगर आर्यों के संबंध में देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ से आर्य आए थे, कौन प्रमाण मिला था। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी खोजकर्ता रहे हैं उन्होंने अलग अलग प्रमाण दिए हैं, उनके किसी के अकॉर्डिंग आर्य कहीं से आए थे और किसी के अकॉर्डिंग आर्य कहीं से, मतलब अलग अलग जगहों से। तो इसमें अगर सबसे पहले देखेंगे तो एक नाम है, ठीक है, उनका नाम है जेजी रोड। ठीक है, जेजी रोड जी ने 1820 में ये बताया, ये एक ईरानी ग्रंथ है, ये भी याद रखिए, हो सकता है कहीं पूछ लें। ईरानी ग्रंथ का नाम है जेंदा अवेस्ता। ठीक है, जेंदा अवेस्ता जो है ईरानी ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के आधार पर ये जेजी रोड जी ने 1820 में ये बताया कि जो आर्य लोग थे, जो आए थे आर्य लोग, वो एक प्रदेश था, एक जगह था जिसका नाम था वैक्ट्रिया। ठीक है, वैक्ट्रिया के निवासी थे। ठीक, ये नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं कि जेजी रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता के आधार पर ये बताया कि जो आर्य लोग थे वो बैक्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ये बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना किसने, जेजी रोड ने, किसके आधार पर, ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता के आधार पर। ठीक है, इसके बाद दूसरे आएंगे, जो दूसरे हैं वो हैं मैक्स मूलर। ठीक है, जो मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर के आधार पर मैक्स मूलर ने बताया, इन्होंने 1859 में बताया कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया, ये देखिए दो लोग हैं, दोनों लोग का मत बिल्कुल अलग है, तो इनके अकॉर्डिंग ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे और जेजी रोड के अकॉर्डिंग ये बैक्ट्रिया निवासी थे। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे एक और है। अब ये जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में साक्ष्य भी मिले हैं, तो मध्य एशिया में एक स्थान है जिसका नाम है बोगज कोई, बोगज कोई। ठीक है, कम से कम स्थान याद रख लेंगे, ये बोगज कोई, बोगज कोई में एक लेख मिला है। ठीक है, एक याद रखेंगे, एक लेख मिला है बोगज कोई में, मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान पर एक लेख मिला है जिसमें कि भारतीय जो देवता हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि उनमें पहले में आ जाएंगे इंद्र, इंद्र के बाद जो हैं वरुण हैं। ठीक है, वरुण के बाद जो हैं नासत्य है, ये जो हमारे देवता हैं उनका नाम लिखा है बोगज गोई नामक स्थान पे एक लेख में। ठीक है, तो ये आपको तीन लोगों को याद रखना है, जेजी रोड पहले, दूसरे मैक्स मूलर, मैक्स मूलर में ही, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया में ही एक जगह है बोगज कोई जहाँ से एक लेख मिला है, जहाँ पे ये हिंदू जो देवी देवताओं के नाम हैं वो मिले हैं लेख में, और ये माना जाता है कि जो वैदिक पीरियड का टाइम है उसी टाइम का ये लेख है। ठीक है, तो ये इतना जो है आर्यों से रिलेटेड है कि आर्य कहाँ से आए, क्यों आए। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो चलेंगे हम, तो नेक्स्ट देखेंगे जो वैदिक काल है, ये पूरा टाइमिंग है 1500 से लेकर 600 BC, ये मैंने बताया पूरा टाइमिंग। अब इसमें वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, पहला और दूसरा। पहले को जो बोलते हैं हम पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, इसका टाइमिंग है 1500 से 1000 BC। ठीक, ये अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 BC। ठीक है, यानी कि ये पूरा वैदिक काल आ गया, यहाँ पे 1500 है, 1500 से 600 BC। ठीक है, तो वैदिक काल के दो पार्ट हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC। अब पूर्व वैदिक काल में हमको पढ़ना है ऋग्वेद। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में सिर्फ आता है ऋग्वेद, इसीलिए जो पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेद काल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ऋग्वेद काल देगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ग्रंथ पढ़ना होता है ऋग्वेद, तो पूर्व वैदिक काल में एक पढ़ना है हमको ऋग्वेद। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो हैं जो सारे वेद हैं, जो तीन वेद और हो जाएंगे हमारे ऋग्वेद के बाद जो हैं, चार वेद हैं हमारे टोटल, तो तीन वेद और बाकी जितने भी हमारे इपिक हैं, जो महाकाव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, वो सारे पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में मैटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितने वेद आ जाएंगे, तीन वेद आएंगे, उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे महाकाव्य हैं बड़े बड़े, रामायण महाभारत, ठीक है, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल में। बट जो पूर्व वैदिक काल है इसमें हमको पढ़ना है सिर्फ ऋग्वेद, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है अच्छे से समझ लीजिए कि वैदिक काल जो है, वैदिक काल का जो टाइमिंग है 1500 से 600 BC, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। पूर्व वैदिक काल में हमको सिर्फ ऋग्वेद पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल में हमको बाकी के तीन वेद और सभी ग्रंथों को पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जितने भी यहाँ पे वेद हैं उससे शुरू करेंगे। तो वेदों में देखेंगे हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक। ये चार वेद हमको याद रखने हैं कि हमारे ये चार महत्वपूर्ण वेद हैं, ठीक है। और ऋग्वेद तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और दी गई हैं, ठीक। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमारे कौन कौन से वेद हैं, तो चार वेद हैं। सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक। तो ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे पहले से, ठीक है। ऋग्वेद में जो है इसमें सबसे पहले है क्या, तो ये जो है जितने भी देवता हैं उनकी प्रार्थना है, ठीक है, देवताओं की स्तुति है, वो लिखा गया है इसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि 10 चैप्टर है इसमें, ठीक है, ऐसे समझने के लिए 10 मंडल हैं, डॉट दिए हैं, ये 10 चैप्टर हो गए। प्रत्येक चैप्टर में यानी जितना चैप्टर है हमारे, उस सारे चैप्टर में 100 100 सुक्तियाँ हैं। सुक्तियाँ से याद रखेंगे श्लोक, मान लीजिए नॉर्मल भाषा में, ठीक है, 100 श्लोक हैं। तो इसमें फर्स्ट में भी 100, सेकंड में भी 100, थर्ड, फोर्थ, इस सब में जो है 100 100 हैं, ठीक है, और टोटल 10 मंडल हैं। बट जो 9 मंडल है उसमें भी 100 हैं, इधर सब में 100। बट जो हमारा 10वां मंडल है, ठीक है, इसमें 128 सुक्तियाँ हैं, ठीक है, यानी टोटल 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में यानी 9 मंडल तक तो 100 100 सुक्तियाँ हैं, 10वें मंडल में 128। तो अगर टोटल करेंगे कितनी सुक्तियाँ हैं, तो वो हो जाएंगी 1028, ठीक है, क्योंकि 9 तक तो 900 हो जाएगा, उसके बाद 128 है लास्ट वाले में, तो 1028 सुक्तियाँ हैं। अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में टोटल कितनी सुक्तियाँ हैं, तो 1028, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो ऋग्वेद में दूसरी चीज़ है, ऋग्वेद में जितने भी मंडल हैं इसमें किस मंडल से क्या क्या लिया गया है वो भी आप याद रख सकते हैं। जैसे तीसरा मंडल है, थर्ड जो मंडल है, इससे हमको गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है, ये याद करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा जो मंडल है हमारे, ये 10 मंडल हैं, 10 में से तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा मंडल है इसमें कृषि के बारे में बताया गया है, ठीक। ये कुछ जो मंडल हैं इसमें से इम्पोर्टेंट, वही हम देखेंगे जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तीसरे मंडल में से गायत्री मंत्र लिया गया है, चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। जो सातवां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद जो नौवां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो सातवां मंडल वरुण देवता, नौवां मंडल सोम देवता, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट आगे जाएंगे, इसी में जो कुछ नदियों के बारे में बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में अगर नदी देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी मानी गई है वो है सरस्वती, ठीक है, ऐसा नहीं कि गंगा लगा के आ जाएंगे एग्जाम में। सरस्वती जो है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है,
और पूरे ऋग्वेद में कुछ नदियों का अंकन हुआ है, जैसे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का अंकन जो है 7 बार हुआ है, ठीक है। जो हमारी प्रमुख गंगा नदी है, गंगा नदी का अंकन 1 बार हुआ है, ठीक। यमुना नदी है, यमुना नदी का जो अंकन है वो 2 बार हुआ है। तो अगर नदियों से रिलेटेड पूछेगा ऋग्वेद में किस किस नदी का अंकन कितनी बार हुआ है, तो सिंधु नदी 7 बार, गंगा नदी 1 बार, यमुना नदी 2 बार, और जो ऋग्वेद में सबसे बेस्ट नदी बताई गई है वो कौन सी है, तो वो है सरस्वती, ठीक है। तो ये 4 नदियों के बारे में थोड़ा याद रखेंगे, और नदियों का प्राचीन नाम नवीन नाम भी पूछता है, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है कला, ठीक है। अब ये जो कला शब्द है, कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा, जो हम कला के छात्र हैं तो ये हमको याद होना चाहिए कि कला जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो वेद में हुआ है। किस वेद में, तो ऋग्वेद में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो जो ऋग्वेद है, इतनी चीज़ें हैं ऋग्वेद में याद करनी, ठीक है। ऋग्वेद में ही जो कुछ नाम है, जैसे उसमें जो जंगल की देवी थी उनको क्या कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाम है सबका, हो सकता है कहीं से कुछ भी पूछ दे, डीपली भी पूछ सकता है, तो उसको बोलते हैं अरण्यानी, ठीक है। जो ऋग्वेद में जो लोग अधिकांशतः जंगलों में ही रहते थे, तो उसमें जंगल की एक देवी मानी जाती थी जिनका नाम था अरण्यानी, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। दूसरा जो था, जो किसान हल का प्रयोग करता है, ठीक है, हल सबको पता होगा ना, ठीक है, जो हल का प्रयोग करता है किसान, उसको क्या कहते थे, तो उसको बोलता जाता था लांगल, ठीक है। ऋग्वेद में हल को क्या बोलते हैं, तो लांगल भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं सीर भी मिलेगा, तो दो नाम आप याद रख सकते हैं कि हल को क्या कहते थे, लांगल या सीर। हल से बनी नालियाँ को क्या कहते थे, तो सीता, ठीक है। जो हल जब खेत जब जोतेंगे हल से, तो उसमें जो नालियां बन जाती हैं उसको बोलते हैं सीता, ठीक है, हल को बोलते हैं लांगल या सीर। इसके बाद जो ऋण होता था या कर्ज लेने की जो प्रथा थी वो उस समय भी थी, कुछ लोग कर्ज लेते थे एक दूसरे से, तो वो जो था ऋण को जो बोलते थे उस समय कुसीद, ठीक है, कुसीद बोलते थे ऋण को, या फिर वैदिक में ही देखेंगे कुसीद शब्द को बलि के रूप में भी माना जाता है, जो बलि देने की प्रथा थी उसको भी कुसीद ही बोलते हैं, और ऋण वाली जो प्रथा थी उसको भी कुसीद ही, ठीक है। तो कुसीद आप याद रख सकते हैं वर्ड, ठीक है। इसके बाद जो एक याद रखेंगे कि जो आर्य लोग थे वो बहुदेववादी थे, ठीक है, इंद्र थे इनके मुख्य देवता, बट ये लोग बहुत सारे देवताओं को की पूजा करते थे, और खासकर जो प्रकृति से संबंधित है उसकी, जैसे उसमें आ गया वायु आ गया, जल आ गया, ठीक है, वर्षा हो गया और अग्नि हो गया, तो इन सारी चीज़ों की ये लोग पूजा करते थे, बादल हो गया, ठीक है। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे, मेनली वायु जल वर्षा अग्नि बादल, ठीक है, सूर्य, ये सारी चीज़ें प्रकृति हैं एक तरह से, तो इन सभी की पूजा करते थे वो लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ें, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती है, ठीक है, तो सरस्वती जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में, इसको नदी तमा बोलते हैं, नदी तमा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे कि ऋग्वेद में नदी तमा किसे कहा गया। नदी तमा का अर्थ है नदियों में प्रमुख, ठीक है, तो ये कहा गया सरस्वती को, नदी तमा एक वर्ड याद रखेंगे जो कि कहा जाता है सरस्वती को, ठीक है। अभी ये इंट्रो ही चल रहा है ऋग्वेद का, खास करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट आप देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे, अभी हम ये ऋग्वेद में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने जो 4 वेद दिखाए थे उसमें ऋग्वेद के अंदर ही अभी हमने जितना भी पढ़ा, ये स्लाइड पूरी और ये भी,
ये सारा ऋग्वेद के अंदर है। अब ऋग्वेद के अंदर ही हमको आश्रम बताए गए हैं, ठीक है, जीवन के प्रमुख आश्रम और पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में हमको आश्रम के बारे में बताया गया है, पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है और वेदांग के बारे में, ठीक है। वेदों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऋग्वेद से मिली हैं हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है कि आश्रम कितने होते हैं, ठीक है, पुरुषार्थ कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं हमको ज़रूरी याद रखनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ ये ऋग्वेद के अंडर में आती हैं, तो इन तीनों को सबसे पहले देखेंगे। तो जो आश्रम है, ठीक है, आश्रम जो है चार माने जाते हैं, फोर। अब इनमें कौन कौन सा कब कब के लिए है, तो पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य है वो माना जाता है जन्म से, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से 25 वर्ष की आयु तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ये चारों आश्रमों को दे देगा क्रम से लगाने को, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि ब्रह्मचर्य में क्या किया जाता है। तो ब्रह्मचर्य जो है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती है, और इसमें कार्य जो होता है वो है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ऐसे आप पूरा याद रखिए, ठीक। दूसरा इसके बाद जो आएगा ब्रह्मचर्य के बाद वो है गृहस्थ, ठीक है। आश्रम में मानव जीवन के पूर्ण जीवन में उसको क्या क्या कब कब क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो दूसरा है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम की जो आयु है वो 25 से लेकर 50 वर्ष, ठीक है, 25 से 50 वर्ष। इसमें जो उसको करना चाहिए उसका जो कार्य है वो है सांसारिक जीवन, ठीक है, जो भी चीज़ें सांसारिक जीवन में आती हैं वो सारा इस आयु में करना चाहिए उसको, 25 से 50 वर्ष तक, ठीक है। अब थर्ड आ जाएगा हमारा जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु मानी जाती है वो है 50 से लेकर 75 तक, ठीक है, 50 से 75 वर्ष तक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ईश्वर ध्यान करना है, ठीक है, ईश्वर की आराधना करनी है। अब इसके बाद जो है फोर्थ नंबर जो हमारा है, फोर्थ है वो है सन्यास, ठीक है। अब सन्यास की आयु क्या है, तो 75 से लेकर 100 वर्ष तक आपका सन्यास। इसमें आपको मोक्ष के लिए तपस्या करनी है, ठीक है, मोक्ष हेतु तपस्या। तो ऋग्वेद में हमारे चार आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य की आयु है 0 से 25 वर्ष, इसमें ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए आपको। गृहस्थ जो है ये 25 से 50 वर्ष, इसमें जो भी सांसारिक क्रियाएं हैं विवाह, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष की आयु में ईश्वर का ध्यान करना है, और सन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक ये मोक्ष हेतु तपस्या करनी है, ठीक है। आश्रम क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का, इतनी चीज़ें हैं आश्रम में, ये चारों क्रम से और इसकी आयु क्या है और इसमें क्या क्या करना है ज़रूर याद रखिए, ठीक है। तो पहला हो गया आश्रम, दूसरा जाएंगे वो है पुरुषार्थ, ठीक है। पुरुषार्थ में आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से चार हैं, ठीक है, चार पुरुषार्थ। पहला जो है वो है धर्म, दूसरा जो है वो है अर्थ, तीसरा जो है वो है काम, और चौथा जो है मोक्ष, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट के लिए इसको डीपली पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है, बस आप इसका नाम याद रखिए कि क्या क्या पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ ऋग्वेद में बताए गए हैं, ठीक है। देखिए आश्रम भी चार था और पुरुषार्थ भी चार हैं। अब आते हैं वेदांगों पर, ठीक है, वेदांग कितने हैं, तो यहाँ पर भी आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो वेदांग जो माने जाते हैं वो छः, पहला है शिक्षा, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको, शिक्षा। दूसरा ज्योतिष, ठीक है। थर्ड जो है व्याकरण, उसके बाद है कल्प, फिर है निरुक्ति, ये सारा नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आपके पास तो, और उसके बाद छंद, ठीक है। तो वेदांग छः माने गए हैं, पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प,
पांचवा निरुक्ति और छठवां छंद। शिक्षा ज्योतिष व्याकरण कल्प निरुक्ति छंद, ये हमारे छह वेदांग बताए गए हैं। ठीक है, तो जो आश्रम थे वो आपको याद कर रखना है, पुरुषार्थ है वो याद रखना है, वेदांग है वो याद रखना है। तो आश्रम, पुरुषार्थ और वेदांग यहाँ से हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऋग्वेद में ये सारा कुछ ऋग्वेद में चल रहा है। हमने जो चार वेद स्टार्ट किए थे उसमें पहला जो ऋग्वेद था उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना याद करना है। लास्ट में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो व्यक्ति ऋग्वेद का ज्ञानी होता है या ऋग्वेद का पाठ करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं होत्र। ठीक है, ये होत्र याद रखेंगे, ये है ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता। ठीक है, प्राचीन समय में जो चार वेद हैं उसके अलग अलग पाठ्यकर्ता होते थे, तो ऋग्वेद का जो पाठ करता था स्पेशली उसको बोलते थे होत्र। ठीक है, तो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इसमें पूरा ऋग्वेद में आप उसको अच्छे से देखिए। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरा वेद है हमारा सामवेद। अब जो सामवेद है, सामवेद का अर्थ गायन से है या गान से है, गायन यानी सिंगिंग। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब ये जो था, जब यज्ञ होते थे, ठीक है, वैदिक काल में, तो यज्ञ में जो देवताओं के लिए यज्ञ होते थे, तो देवताओं के लिए जो भी यज्ञ होते थे उसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी, या ऐसे कर सकते हैं कि उनकी आराधना की जाती थी। ठीक है, तब अब आराधना करने के लिए उस समय ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते थे। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे। जो सामवेद है इसको संगीत का जनक भी बोलते हैं, और संगीत का जनक क्यों बोलते हैं ये एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कि देवताओं के लिए जो यज्ञ होते थे उसमें उनकी आराधना की जाती थी, और आराधना करते समय गायन किया जाता था, जो भी ब्राह्मण होते थे वो ऋचाओं का गायन करते थे। ठीक है, गाते थे, तो वो, और ये जो ब्राह्मण गाता था उसको बोला जाता था उद्गाता। ठीक है, और जो गायन, यहीं से गायन की परंपरा स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जो सामवेद है उसमें देवताओं के लिए जो यज्ञ होते थे उसमें ब्राह्मण उनकी आराधना के लिए ऋचाओं को गाते थे, जहाँ से ही इसको संगीत का जनक माना जाने लगा इस वेद को। और जो ब्राह्मण ये गाता था, ठीक है, उसको बोलते थे उद्गाता। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा उद्गाता। जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं तो वो था होत्र, तो ऐसे ही सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं तो वो है उद्गाता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सब सारे जितने भी पाठ्यकर्ता हैं उनके। अब इसमें भी सामवेद में भी कुछ ऋचाएँ हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है, अब सामवेद में देखेंगे, सामवेद में जो टोटल ऋचाएँ हैं जैसे कि उसमें थी ऋग्वेद में, वैसे ही सामवेद में भी ऋचाएँ हैं। तो इसमें ऋचाओं की जो संख्या है वो है 1810। ठीक है, सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1810 है। अब इसमें जो कुछ ऋचाएँ हैं वो जो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ थी उन्हीं से लिया गया, यानी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, सामवेद के भी लगभग ऋचाओं को, ठीक, मात्र जो हैं 78 जो ऋचाएँ हैं वो नई हैं, बाकी जो हैं वो ऋग्वेद से ही अडॉप्ट की गई हैं, ली गई हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है इसमें। ठीक है, केवल 78 जो ऋचाएँ हैं वो नवीन हैं या न्यू हैं। ठीक है, अब सामवेद में भी दो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सामवेद को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बस नाम जान लेंगे पर उसके बारे में। ठीक है, कौथुम, पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनीय, और थर्ड जो पार्ट है वो है जैमिनीय। ठीक है, तो सामवेद को भी तीन भागों में बांटा गया है, इसके तीन पार्ट हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है, ये बस याद रख लेंगे। तो सामवेद में हमने जो भी देखा, इस सामवेद जो है गायन से संबंधित है, इसमें देवता के लिए यज्ञ किया जाता है, और जो
उनकी आराधना की जाती है, जो ब्राह्मण ये आराधना करता है, जो गाता है उसको उद्गाता बोलते हैं, यानी कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता बोलते हैं। संगीत का जनक भी इस वेद को माना जाता है। इसमें जो ऋचाएँ हैं 1810 ऋचाएँ हैं, जो कि ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति हैं। 78 ऋचाएँ केवल नई हैं और सामवेद को 3 पार्ट में बांटा गया है, कौथुम, राणायणी और जैमिनी। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद। ठीक है, अब ये देखेंगे जो थर्ड है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यजुर् का जो अर्थ होता है यज्ञ, ये याद रखिए, यजुर् का अर्थ है यज्ञ। अब इसमें यजुर्वेद में अनेक प्रकार की विधियों का के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधियाँ कौन सी, यज्ञ करने की विधि। ठीक है, यज्ञ पूजन विधि या यज्ञ करने की विधि के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा जो है, अब ये यजुर्वेद में भी इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। ठीक, आपने नाम सुना होगा तो यहाँ पे याद रख लेंगे। अगर पूछता है कि यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण में भी बहुत सारी शाखाएँ हैं, बहुत सारा पार्ट है इसका, जो कि हमारे सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे से रिलेटेड बस ऊपरी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें यजुर्वेद में क्या बताया गया है, इसके 2 पार्ट कौन से हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, जो यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्वर्यु। ठीक है, जैसे कि जो ऋग्वेद में था पाठ्यकर्ता उसको होत्र बोलते थे, उसके बाद जो सामवेद आया उसको उद्गाता बोलते थे, इसके बाद जो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता होते हैं उसको अध्वर्यु बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं यजुर्वेद में, आप याद रख लीजिए। और अगर जैसे कृष्ण जो यजुर्वेद है, इसमें भी डिटेल में काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे इसका एक पार्ट है काठक। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट से नहीं है बट आप देख सकते हैं, काठक है, कपिठल है। ठीक, ये इसके भाग हैं कृष्ण यजुर्वेद के। ठीक है, और यहाँ पे एक और है मैत्रायणी, मैत्रायणी, और लास्ट वाला जो 4th पार्ट है वो है तैतरीय। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद के 4 पार्ट हैं, पहला काठक, दूसरा कपिठल, तीसरा मैत्रायणी, चौथा तैतरीय। ठीक, इतना यजुर्वेद में आप याद रख लीजिए। अथर्ववेद यानी 4th। ठीक है, वेदों में जो 4th है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है रोग निवारण संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अथर्ववेद में रोग निवारण याद रख लेंगे। इसमें जो उच्चारण संबंधित रोग निवारण उच्चारण, इसके अलावा जो भूत प्रेत से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो अथर्ववेद में रोग निवारण है, उच्चारण है, भूत प्रेत जिसको टोना टोटका बोलते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं, और अंधविश्वास जो है उसका भी उल्लेख है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बहुत सारी जो औषधि है उसका भी वर्णन है। ठीक है, औषधियों का भी वर्णन है, यानी कि रोग निवारण, उच्चारण, भूत प्रेत, अंधविश्वास, औषधि, इन सभी चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लगभग 6000 मंत्र हैं। ठीक है, 6000 मंत्र हैं, इन सभी जितने भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। इसमें सुक्तियों की बात करें तो 731 सुक्तियाँ हैं। ठीक है, 731 सुक्तियाँ और 6000 से अधिक मंत्र। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं इसमें अथर्ववेद में, आप याद रख लीजिए। अथर्ववेद के जो पाठ्यकर्ता होते हैं उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा। तो चारों वेदों के पाठ्यकर्ताओं को और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सबको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक, जो हमारे 4 वेद थे
वो हो गया कंप्लीट, और ऋग्वेद में जितने भी पॉइंट थे वो सारे हो गए। तो अभी तक जितना भी था सारा अच्छे से याद रख लीजिए। अब इसके बाद जो आता है वो जो हमारे जितने भी महाकाव्य या जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें कला से क्या संबंधित है, ठीक है, कला से रिलेटेड क्या है उसमें, वो हमको पढ़ना है। जैसे इतने ग्रंथ जो हमारे मुख्य हैं, पहला जो है रामायण है, दूसरा जो है महाभारत है, तीसरा जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद है कामसूत्र, अष्टाध्यायी और विनय पिटक, मेघदूत और रघुवंशम, ये दो ग्रंथ हैं कालिदास जी के, मानसोल्लास, ठीक है, उसके बाद नाट्यशास्त्र। तो ये जितने भी मान लीजिए 10 ग्रंथ हैं इनमें आर्ट से रिलेटेड क्या है, कला से रिलेटेड, वो सारा हमको देखना है। मैं एक एक ग्रंथ को बताऊंगा, तो यहाँ से ग्रंथ कंटिन्यू होगा, आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है, कि किस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं इस ग्रंथों से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो हमारा सबसे पहला वाला ग्रंथ है वो देखेंगे, वो है रामायण, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा वो रामायण, और रामायण से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि जो कला शब्द है इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ पर हुआ है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। ये हमारा पहला एक पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखेंगे जो रामायण है, रामायण में ये जो कला शब्द है इसको किस नाम से जानते हैं, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। तो इसको बोलते हैं शिल्प, ठीक है। अगर पूछेगा कि कला शब्द को शिल्प शब्द किस ग्रंथ में माना गया है या कहते हैं, तो रामायण, या ऐसे पूछेगा कि रामायण में कला शब्द को किस नाम से जानते हैं, तो शिल्प, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो है, अब यहाँ पे जो शिल्प है या फिर कला है, अगर क्वेश्चन में ये शिल्प देगा, रामायण से रिलेटेड शिल्प देगा, तो ये नहीं समझेंगे कि ये मूर्तिकला की बात कर रहा है। रामायण में जो, रामायण में कला को शिल्प कहा गया है, यानी इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो जैसे गीत हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बजाना या वाद्य यंत्र, ठीक, ये सब कुछ जो जितनी भी कला की विधाएं हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, शिल्प में, ठीक है। रामायण में कला को शिल्प कहा गया, इसीलिए ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ऐसा नहीं कि इसको मूर्ति से रिलेटेड समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जाएंगे तो रामायण में कला से रिलेटेड क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ देखेंगे कि रामायण में सीता जी की प्रतिमा बनाने का उल्लेख है, ये क्वेश्चन आया भी है, सीता की स्वर्ण प्रतिमा, ठीक है, स्वर्ण प्रतिमा बनी है, यानी कि उस समय कलाकार थे, मूर्तिकार थे, जिन्होंने प्रतिमा बनाई। अब ये प्रतिमा किसने बनाई है, तो आर्टिस्ट का नाम याद रखेंगे, उसका नाम है मय, ठीक है, आर्टिस्ट है मय। सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाने का उल्लेख रामायण में अंकित है, और ये प्रतिमा बनाई है मय नामक शिल्पी ने, ठीक है, या फिर मय नामक कलाकार ने, पहला ये। दूसरा जो हमको याद रखना है वो कि जो रावण की लंका में, जो रावण की लंका थी, तो वहाँ पर जब हनुमान जी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक चित्रशाला देखी थी, ठीक है, रामायण में लिखा हुआ है ये। तो ये जो चित्रशाला का उल्लेख है ये मिलता है रामायण में, चित्रशाला मतलब आर्ट गैलरी, ठीक है, यानी आर्ट गैलरी थी, वहाँ पर कला था, आर्टिस्ट थे, तभी तो गैलरी थी, तो इसीलिए ये चित्रशाला का उल्लेख मिलता है रामायण में। पहला हमको याद रखना है स्वर्ण प्रतिमा बनी थी सीता जी की, मैं नामक शिल्पी ने बनाई थी। दूसरा जो प्रमाण है वो कि रावण की लंका जो थी वहाँ पर एक आर्ट गैलरी थी, ठीक है, और ये अपने टाइम की सबसे विख्यात चित्रशालाओं में से एक थी, ठीक। अब तीसरा देखेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड में जब देखेंगे रामायण में बाली था, ठीक है, बाली और सुग्रीव, ठीक है, जब बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था और राम ने बाली को मार दिया था, तो बाली का जो शव था, यानी जो उसका डेड बॉडी थी, उसको ले जाने के लिए एक जो पालकी आई थी, ठीक है, मान लेंगे ये पालकी है, तो पालकी जो आई थी वो उसमें काफ़ी सारा डेकोरेशन था, ठीक है, तो वहाँ से भी कला के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो है सिर्फ बाली नहीं, रावण की भी मृत्यु के बाद जो पालकी आई थी उसको लेने, उसमें भी बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, बहुत जो चित्र सज्जा थी उसकी बहुत अद्भुत थी, तो इसलिए यहाँ पर भी कला का प्रमाण मिलता है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे रामायण से रिलेटेड,
पहली चीज़ आपको याद होगी ही कि रामायण का रचयिता कौन है, तो वो है वाल्मीकि। ठीक है, ये तो आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। तो रामायण से इतनी चीज़ें हैं जो वैदिक से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट से जो हमको याद रखनी है। ठीक है, पहला जो है कि रामायण में कला को शिल्प कहा गया है। दूसरा जो है कि सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनी है वहाँ पर, मैं नामक शिल्पी ने बनाई है। अगला पॉइंट है रावण की लंका में एक चित्रशाला का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ, तो बाली की मृत्यु के बाद या रावण की मृत्यु के बाद उसको लेने के लिए जो पालकी आई थी उसमें चित्रसज्जा का बहुत काम हुआ था, तो वो भी आर्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतने प्रमाण हैं आर्ट के, कला के, जो कि रामायण में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। दूसरा हमारा जो है वो है महाभारत। ठीक है, कि महाभारत में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले महाभारत जो है उसके जो राइटर हैं वो याद रख लेंगे, वेद व्यास जी। ठीक है, वेद व्यास जी महाभारत राइटर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है महाभारत में, एक आपने सुना होगा स्टोरी उषा अनिरुद्ध। ठीक है, उषा अनिरुद्ध से रिलेटेड कला से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि एक कथा है महाभारत में, उसके अकॉर्डिंग जो है कि जो राजकुमारी थी, ये उषा राजकुमारी थी। ठीक है, तो राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक युवक को देखा था, एक सुंदर युवक को देखा। इसके बाद राजकुमारी उषा ने जब स्वप्न देखा, स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा, तो उसके बाद उन्होंने उस स्वप्न के बारे में उनकी जो परिचारिका थी या उनकी जो सेविका या मित्र थी जिसका नाम था चित्रलेखा, चित्रलेखा को बताया उन्होंने। ठीक है, यहीं पे ये जो चित्रलेखा, ये आर्टिस्ट है हमारी। ठीक है, तो राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और चित्रलेखा को बताया, तो चित्रलेखा ने स्वप्न के आधार पर उनकी बातें सुनते हुए एक पोर्ट्रेट बनाया। ठीक है, एक चित्र बनाया। ठीक, अब ये जो चित्र था ये था राजा अनिरुद्ध का। ठीक है, तो ये पूरा एक इसको ऐसे याद रख लेंगे कि स्वप्न के आधार पर चित्रण कहाँ पर हुआ है, तो महाभारत में। ठीक है, किसने बनाया है चित्र, तो चित्रलेखा ने, आर्टिस्ट यानी चित्रलेखा है, और किसने बताया है, तो उषा ने। ठीक है, बहुत सिंपल स्टोरी, आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि चित्रलेखा ने स्वप्न की स्मृति के आधार पर चित्र बनाया जो कि अनिरुद्ध का था। ठीक है, और ये व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट देखकर जो राजकुमारी थी उषा काफ़ी प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार जो है स्मृति से व्यक्ति चित्र बनाने की बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक ये भी है जो कि महाभारत में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको याद रखना है, आर्टिस्ट का नाम चित्रलेखा, यहाँ पर किसका चित्र बना है, तो अनिरुद्ध का, किसने स्वप्न देखा है, तो राजकुमारी उषा ने। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं महाभारत में जो कि हमको याद रखनी है। भारत में दूसरा जो पॉइंट है उसमें युधिष्ठिर की सभा के बारे में बताया गया है। ये युधिष्ठिर की सभा थी, उसमें जो दरवाजे थे उसमें ढेर सारा अलंकरण हुआ था, तो ये भी एग्जाम्पल है आर्ट का ही। ठीक है, तो महाभारत में इसके पहले जो मैंने बताया था व्यक्ति चित्र जो चित्रलेखा ने बनाया था, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है युधिष्ठिर की सभा। यहाँ पर जितने भी दरवाजे थे या दीवारें थीं उस पर यथार्थ चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा महाभारत में आभासी पानी का चित्रण हुआ था। ठीक है, भ्रम उत्पन्न करने के लिए सभा में ही एक आभासी पानी का चित्र बना हुआ था। ठीक, तो महाभारत में इतनी चीज़ें हैं, दो तीन पॉइंट। पहला पोर्ट्रेट है अनिरुद्ध का, और दूसरा युधिष्ठिर की सभा का चित्रण है, तीसरा आभासी पानी का चित्रण है। ये सारे जो प्रमाण हैं कला से संबंधित, ये महाभारत के हैं। तो रामायण महाभारत, इसके बाद जो जाएंगे, जो तीसरा ग्रंथ है हमारा वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके जो राइटर हैं वो हैं मार्कंडेय मुनि। पहला ये याद रखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो राइटर हैं इसके वो मार्कंडेय मुनि। अब इसमें जो है, इसका जो टाइमिंग है, 6वीं शताब्दी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, और ये इसी के अंतर्गत आता है चित्रसूत्र। ठीक है, चित्रसूत्र में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमको पढ़नी है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही चित्रसूत्र जो है वो अध्याय
35 से लेकर 43 तक, ये जो है नौ खंड उसमें आता है, उसी खंड को, उसी अध्याय को कहते हैं चित्रसूत्र। ये नौ खंड हो जाते हैं टोटल, ठीक है, 35 से लेकर 43 तक। अब यहाँ पे चित्रसूत्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब हमको पढ़ना है बारी बारी से। तो पहला ये याद रखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि इसके राइटर हैं, 6वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। इसी के अध्याय 35 से लेकर 43 तक को चित्रसूत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि चित्रसूत्र किस ग्रंथ से संबंधित है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अध्याय 35 से 43 तक को किस नाम से जानते हैं, तो चित्रसूत्र। अब चित्रसूत्र में जो जो चीज़ें पढ़नी है वो देखेंगे। तो पहली जो चीज़ है चित्रसूत्र में वो है कि चित्रसूत्र के अनुसार रस कितने माने गए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है रस, तो रस जो माने गए हैं वो नौ, ठीक है। चित्रसूत्र के अनुसार रसों की संख्या जो नौ है, सारे रस याद कर लीजिए, ठीक है। पहला जो है वो श्रृंगार रस है, दूसरा हास्य रस, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, और छठवा है भयानक रस, सातवा है विभत्स, आठवा रस है अद्भुत, और नौवा है शांत, ठीक है। ये सारे रस हैं, इनके अलग अलग भाव भी हैं। तो यहाँ पे चित्रसूत्र अगर पूछेगा चित्रसूत्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो नौ है। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, और नौवां शांत रस। तो ये है रसों की संख्या टोटल नौ, ये पूरा याद कर लीजिए। तो पहला था रस। उसके बाद जो है चित्रसूत्र में जो दूसरी चीज़ है जो पढ़नी है हमको, वो है चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो चित्रों के चार प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में। पहला जो है वो है सत्य, दूसरा जो है वह वर्णिक, तीसरा जो है वो है नागर, और चौथा जो है वो है मिश्रित, ठीक है। चित्रसूत्र में चार प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वर्णिक, नागर, मिश्रित, ये आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है। तो रस के बाद ये था चित्र। इसके बाद जो है चित्रसूत्र में जो बताए गए हैं मुख्य रंग, कि चित्रसूत्र के अकॉर्डिंग मुख्य रंग कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारा ही चित्रसूत्र के अनुसार है जो चित्रसूत्र में दिया हुआ है। तो इसमें जो मुख्य रंगों की संख्या बताई गई है वो है पांच, ठीक है। पहला इसमें जो है वह है श्वेत, यानी कि जो सफ़ेद है वो, दूसरा जो है पीत यानी कि पीला, तीसरा जो रंग है वो है लाल, ठीक है। चौथा जो रंग है वो है कृष्ण, और पांचवा जो रंग है वो है नीला। तो ये पांच रंग बताए गए हैं चित्रसूत्र के अकॉर्डिंग, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला, ये पांच रंग हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो चित्रसूत्र में जो अगला चीज़ है वो है कि इसमें पुरुष कितने प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। चित्रसूत्र के अनुसार पुरुष कितने प्रकार के हैं, तो पांच प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, ठीक है। पहला पुरुष हंस, दूसरा भद्र, तीसरा मालव्य, चौथा रूचक, और पांचवा जो है वो शशक। तो पांच प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और शशक, ये चित्रसूत्र के अनुसार पुरुषों के प्रकार हैं, ठीक है। पुरुषों के बाद जो है चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार हैं वो भी देखेंगे। स्त्रियों के भी जो है पांच प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में। पहला जो है वो हंसनी, दूसरा इसमें जो है पद्मिनी, ठीक है, तीसरा जो है शंखनी, चौथा जो है हस्तनी, और पांचवा जो प्रकार है वो है मालवनी।
ठीक है, यानी चित्र सूत्र के अनुसार महिलाओं की, स्त्रियों के कितने प्रकार हैं? तो पांच प्रकार हैं, हंसनी, पद्मनी, शंखनी, हस्तनी और मालवनी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो केशों के कितने प्रकार है चित्र सूत्र में, ठीक है, स्त्रियों के केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं मुख्यतः पांच, ठीक है। पहला इसमें जो है वो है कुंतल, ठीक है, कुंतल प्रकार। दूसरा जो है वो दक्षिणावर्त। तीसरा जो प्रकार है वो है तरंग, ठीक है, इस सबके इमेज मिल जाएंगे आपको गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो, तरंग। चौथा जो है वो है जटासर, और पांचवा जो प्रकार है वो है वारीधारा, ठीक है। तो चित्र सूत्र में स्त्रियों के केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो पांच, कुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारीधारा। इसके बाद जो है नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं वो भी देखेंगे। तो चित्रसूत्र के अनुसार जो नेत्रों के प्रकार हैं वो हैं पांच। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन सा नेत्र किसके समान है। तो पहला जो है देखेंगे उसको बोलते हैं चपलाकृति। पहला जो नेत्र का प्रकार है वो है चपलाकृति। चपलाकृति जो होता है धनुष के समान होता है, ठीक है, धनुष के समान। क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला नेत्र किसके समान है, तो चपलाकृति धनुष के समान। दूसरा जो है वो है समाकृति। जो समाकृति है वो है गोलाकार नेत्र उसको बोलते हैं, ठीक है, गोलाकार के समान। तीसरा जो नेत्र है वो है मत्सोदरा, ठीक है, मत्सोदरा नेत्र जो है ये समान है मछली के समान, ठीक है, मछली के समान ये नेत्र है। फोर्थ नंबर का जो हमारा नेत्र है वो है उत्पल पत्रभा, ये पूछ सकता है इधर से क्वेश्चन, ठीक है, उत्पल पत्रभा। तो उत्पल पत्रभा जो है ये नील कमल के समान नेत्र है, ठीक है, नील कमल के समान। पहला चपलाकृति धनुष के समान, समाकृति गोलाकार, गोलाकार के समान, मत्स्योदरा मछली के समान, उत्पल पत्रभा नील कमल के अनुसार। इसके बाद हमारा है पांचवा जो है पद्म पत्र निभा। पद्म पत्र सबको पता होगा, पद्म पत्र यानी कि जो कमल पंखुड़ी के समान, तो यहाँ पे याद रख लेंगे कमल पंखुड़ी। तो ये पांच प्रकार के नेत्र बताए गए हैं चित्रसूत्र में, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग है, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है कि मत्सोदरा किस कैसे प्रकार के नेत्रों को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए पांचों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ग्रंथ आते हैं नेक्स्ट वो है कामसूत्र। कामसूत्र से एक ही क्वेश्चन आता है कि कामसूत्र पहले याद रखेंगे इसके राइटर कौन है, तो राइटर है वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन जी इसके रचयिता हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है, तो कामसूत्र के जो तीसरी तीसरे अध्याय है उसमें 64 कलाओं का वर्णन है, ये आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे, 64 कलाओं का वर्णन है यहाँ पे, ठीक है, यही हमेशा पूछता है, या फिर राइटर पूछेगा या फिर ये पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट जाएंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे पाणिनि जी हैं अष्टाध्यायी के राइटर। अब अष्टाध्यायी में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं आर्ट से रिलेटेड, तो वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले याद रखेंगे कि जैसे हमारा रामायण ग्रंथ था, ठीक है, रामायण, उसके बाद एक था महाभारत, ये दो हमारे सबसे बड़े महाकाव्य हैं। इनके बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये अष्टाध्यायी माना जाता है, ठीक है। इसमें चित्रकला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और रामायण महाभारत के बाद सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। अब इसमें जो है अष्टाध्यायी में चित्रकला में जो चित्र अंकन है उसकी विधि बताई गई है, ठीक है, कि कैसे चित्रों को बनाना चाहिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चित्र बनाने की विधि, ठीक है, चित्र बनाने की विधि बताई गई है अष्टाध्यायी में। अब इन विधियों में ये बताया गया है कि किस प्रकार हमें, जैसे पशु पक्षी हैं या फिर पर्वत हैं,
पहाड़ जो हैं या फिर नदी है, ठीक है, या फिर वृक्ष है, इनको हमें कैसे चित्रण करना चाहिए, तो ये क्या विधि है, वो सारी चीज़ें अष्टाध्यायी में बताई गई हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद एक जो ग्रंथ है वो है विनय पिटक। ये विनय पिटक जो है, ये मूल रूप से जो ग्रंथ है ये बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा का है, पाली भाषा है, इसमें पाली भाषा में लिखा गया है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म, तो ये इतना याद रखेंगे। अब इसमें आर्ट से रिलेटेड क्या है, तो विनय पिटक में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि एक राजा थे, उनका नाम था कौशल राज, ठीक है, राजा कौशल राज, राजा कौशल राज जो थे उनका एक उद्यान था, बगीचा था, जिसका नाम था प्रमोद उद्यान, ठीक है, प्रमोद गार्डन जो था उनका, उसी में जैसे एक कॉर्नर पे वहाँ पे एक चित्रागार था या आर्ट गैलरी थी, ठीक है, तो राजा कौशल राज का जो प्रमोद उद्यान था उसी के कोने में एक कॉर्नर पे एक चित्रशाला थी यानी आर्ट गैलरी थी, तो ये लिखा गया है, यहाँ से मिलता है कि कला के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, आर्ट गैलरी थी यानी चित्रों का निर्माण होता था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ है वो है मेघदूत। मेघदूत के जो राइटर हैं, ठीक है, वो हैं कालिदास जी। अब मेघदूत में जो कला से संबंधित है वो ये है कि मेघदूत में जो यक्षिणी है, ठीक है, जिसका कि जो पति है वो, यानी कि यक्ष, वो बाहर गया है, ठीक है, तो उसी के इंतज़ार में यक्षिणी जो है यक्ष का चित्र बनाती है, ठीक, तो यही यहाँ पर मेघदूत में मेंशन है कि मेघदूत ने विरहणी यक्षिणी है जो उसका प्रवासी पति है उसका चित्र बनाने की चर्चा हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेघदूत से रिलेटेड है। आप कालिदास को याद रखिए, इसके रचयिता, और ये चित्र से संबंधित जो है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है रघुवंशम, ये भी कालिदास जी का ही है। रघुवंशम में जो कला से संबंधित है तथ्य वो ये कि रघुवंशम में यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि सेम वैसे जैसे अभी इसमें मेघदूत में यक्षिणी अपने यक्ष को का चित्र बना रही है, सेम यहाँ पर भी वही वैसा ही एक चित्र मिला हुआ है, ठीक है, कि जो प्रेमिका है वो अपनी प्रेमी के लिए चित्र बना रही है। और नेक्स्ट जो है दूसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, उसमें यहाँ पे रघुवंशम का जो 16वां सर्ग है, 16वें सर्ग में जब राम अयोध्या नगरी में आ रहे होते हैं तो वहाँ पे अयोध्या नगरी में जो दीवारें हैं वहाँ पर, वहाँ पर चित्रण कार्य होता है, ठीक है, तो उन चित्रण कार्यों में हाथियों का चित्र बहुत ही रियलिस्टिक बना है, ठीक है, जिसे कि असली समझ के जो सिंह है उसे खरोंच देते हैं, ये लिखा गया है उसमें, ठीक है, कि रघुवंशम का जो 16वां सर्ग है उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए ये लिखा गया है कि अयोध्या नगरी की दीवारों पर हाथियों का चित्रण है जो कि अपने जंगल में घूम रहे हैं, और उन चित्रों को असली हाथी समझकर जो वहाँ सिंह हैं उन चित्रों को खरोंच देते हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, यानी कि चित्र इतने सजीव थे कि सिंहों ने उनको असली समझ के खरोंच दिया, तो यहाँ पर ये चित्र के बारे में लिखा गया है रघुवंशम में। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद जो अगला ग्रंथ आता है वो है नाट्यशास्त्र। ठीक, नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं वो हैं भरत मुनि। अब नाट्यशास्त्र में जो लिखा है कि वर्ण मिश्रण से संबंधित चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, वर्ण मिश्रण मतलब वर्ण मतलब रंग, ठीक है, तो रंग मिश्रण की जो विधियां हैं वो बताई गई हैं नाट्यशास्त्र में, ठीक है, कि कौन सा, ये भी बताया गया है कि किस रंग को किस भाव के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा रंग किस भाव के लिए चित्रण में जो भी भाव डालना है तो कौन सा रंग वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, यानी रंगों को भाव अभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग मूल रंग कौन से हैं, ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नाट्यशास्त्र में
कौन से मूल रंग बताए गए हैं? तो यहाँ पे तीन मूल रंग बताए गए हैं, पहला है लाल, ठीक है, दूसरा जो है पीला और तीसरा श्याम। ये तीन मुख्य रंग बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र। ठीक, अब यहाँ पे नाट्यशास्त्र में लिखा गया है कि जो नाट्यशाला होती थी उसकी जो दीवारें होती थी उन दीवारों पर बहुत सारी नर नारी की मूर्तियाँ वगैरह बनी होती थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आर्ट का। ठीक है, हमको जितने भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उनमें उस हमको ढूंढना है कि आर्ट कहाँ पर है, कला से रिलेटेड इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र भी हो गया। नेक्स्ट ग्रंथ की तरफ चलेंगे, ये है थेरा थिरी। ठीक है, अब थेरा थिरी जो है ये भी बौद्ध ग्रंथ है, पहला तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ये थेरा थिरी में आर्ट से रिलेटेड जो है, तो इसमें राजा बिंबसार थे। ठीक है, राजा बिंबसार, बिंबसार जो थे उन्होंने एक राजा, दूसरे राजा को जिनका नाम था राजा तिस, ठीक है, बिंबसार ने राजा तिस को एक फलक भेंट किया था, एक पैनल भेंट किया था, मान लीजिए पैनल है, ऐसा पैनल भेंट किया था, इस पे जो है बुद्ध का पूरा जीवनी था। ठीक है, इस पैनल पे बुद्ध की पूरी जीवनी चित्रित थी, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जो वर्णन था इस पैनल पे चित्रित था, और ये पैनल बिंबसार ने गिफ्ट किया था राजा तिस को। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे, भेंट स्वरूप दिया था बिंबसार ने तिस को एक फलक जिसपे कि बुद्ध जीवनी चित्रित थी। ठीक, तो इतने ग्रंथ मैंने बताए हैं, थेरा थेरी, नाट्यशास्त्र, रघुवंशम, मेघदूत। ठीक, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वैदिक के वो सारे मैंने बता दिए, उनमें क्या क्या रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड क्या क्या है, वो सारी चीज़ें। तो आप पूरा इसको देखिए, जो भी नोट कर सकते हैं, जो आपको ना पता हो वो नोट करिए। इसके अलावा जो है, जो महत्वपूर्ण चीज़ों में वैदिक के, अगर यूपी या टीजीटी का एग्ज़ाम देखें तो उसमें बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है ग्रंथों के राइटर से। ठीक है, तो कुछ ग्रंथ मैं बता दे रहा हूँ जो आप याद रखिए। ठीक, जो आते हैं, जो पूछे गए हैं, तो पहला जो आज मैंने बताया रामायण, ठीक है, उसका आपको पता है कि जो राइटर हैं उसके वो वाल्मीकि हैं। ठीक है, दूसरे जो हैं वो महाभारत, इसका भी पता है आपको कि वेद व्यास। ठीक, थर्ड जो हमारा ग्रंथ है वो हो जाएगा कामसूत्र, ये आपको इतने तो याद होने चाहिए। ठीक, इसके जो राइटर हैं वात्स्यायन, आप चेक करिए आपको कितना आ रहा है अभी। फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ में अगर देखें तो मेघदूत को रख लीजिए। ठीक है, मेघदूत और रघुवंशम, ये सारे कालिदास के हैं। एक और कालिदास का याद रख लीजिए, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, ये भी कालिदास का है। तो ये तीनों जो हैं वो कालिदास के हैं, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूत। इसके बाद फिफ्थ पर देखेंगे तो नाट्यशास्त्र है। ठीक है, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र जो इसके रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। इसके बाद सिक्स नंबर पर देखेंगे जो है हमारा, वो है वृहत संहिता। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है वृहत संहिता, इसके जो मेन हैं वो हैं वराह मिहिर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ नंबर, तो ये है पंचतंत्र, पंचतंत्र के जो हैं वो विष्णु शर्मा। ठीक है, जो ना पता हो नोट कर लीजिए, सारे आए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आठवां नंबर, तो इसमें जो है रजत तरंगिणी या राज तरंगिणी, ठीक है, दोनों ही लिख के आता है। तो रजत तरंगिणी जो है ये है कल्हड़ का, कल्हड़। ठीक है, नाइन्थ देखेंगे इसके बाद तो वो है गीत गोविंद, ये वो ग्रंथ हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। गीत गोविंद जो है वो है जयदेव का। ठीक है, दस नंबर पे अगर देखेंगे तो वो है अर्थशास्त्र को रख सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र ये चाणक्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर पे तो वो है रत्नावली, जो रत्नावली ग्रंथ है वो है हर्षवर्धन का।
ठीक है। इसके बाद 12 नंबर पे जो ग्रंथ आता है वो है हमारा मुद्रा राक्षस, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है ये है विशाख दत्त का, विशाख दत्त। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर पे जो है वो है कादंबरी, कादंबरी जो ग्रंथ है वो है वाण भट्ट का, वाण भट्ट। इसके बाद है 14 14 जो है इसमें पृथ्वीराज रासो को रख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, ये जो है चंदवरदाई, चंदवरदाई जी का है। 15वां ग्रंथ देखेंगे 15, ये है रसमाला, जो रसमाला है वो सोमेश्वर का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे 16 पर, जो 16 ग्रंथ है हमारा वो है तिलक मंजरी, जो तिलक मंजरी ग्रंथ है इसके जो राइटर हैं वो हैं धनपाल। ठीक, इसके बाद 17 नंबर के हैं, 17 नंबर पे देखेंगे मानसो उल्लास। ठीक है, मानसो उल्लास जो है वो है सोमेश्वर का, सोमेश्वर। ठीक है, ये जो वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताए हुए हैं पूरे वैदिक काल के, आपको अभी ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो जो वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो देख सकते हैं, वो वीडियो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई बटन में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 18 में जो है अष्टाध्यायी, जो कि आज ही मैंने बताया अष्टाध्यायी। ठीक है, ये पाड़नी का है। इसके बाद 19 नंबर में देखेंगे तो सम्रांगण सूत्राधार, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सूत्राधार ये जो है ये राजा भोज का है। ठीक है, 20 नंबर पे देखेंगे तो किराता जुर्नियम। ठीक है, जो किराता जुर्नियम है ये जो ग्रंथ है ये भारवी का है। ठीक, तो ये 20 मैंने बता दिए, एक बार रिपीट देख लीजिए, रामायण वाल्मीकि का, महाभारत, वेदव्यास, कामसूत्र, वात्स्यायन, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, बृहत संहिता, वराहमिहिर, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, रजत तंग्री, कल्लड़, गीत गोविंद, जयदेव, अर्थशास्त्र, चाणक्य। इसके बाद रत्नावली हर्षवर्धन, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कादम्बरी वाण भट्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, रसमाला सोमेश्वर। इसके बाद है तिलक मंजरी धनपाल, मानसो उल्लास सोमेश्वर, अष्टाध्यायी पाणिनि, सम्रांगण सूत्राधार जो है राजा भोज, और किराता जुर्नियम जो है वो भारवी। तो ये 20 ग्रंथ मैंने बताए हैं जो आपको नाम याद रखने हैं, और ऊपर जो अदर ग्रंथ बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका आपको सारा डिटेल याद रखना है। ठीक है, तो वैदिक काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग मैंने बता दी हैं, आप कोशिश करिए कि पूरा अच्छे से वैदिक काल को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से तो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी जो आगामी एग्ज़ाम है वो TGT है और PGT है और DSSSB। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं DSSSB का प्रिपरेशन स्टार्ट कराइए, तो सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, लगभग जो चैप्टर है सेम है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो वीडियो है सारे एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे TGT हो, PGT हो या DSSSB हो। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।